ज़्यादा बोझ पड़ जाएगा, तो आप क्या मानते हैं? आप मोदी से एक ही बात पूछना, आपसे मोदी मिलेगा कहीं ना कहीं, नहीं तो जा करके मिल लेना, उससे पूछना कि पिछले विधानसभा के चुनाव में आपने ये जो एक कानून बनाया है कि किसान की भूमि अधिग्रहण करने के लिए 24 घंटे का नोटिस ही सफिशियंट है, और उसमें डिप्टी कमिश्नर, SDM, नायब तहसीलदार, BDO तक को पावर दी गई है, और इसके अलावा एक और किया गया है कि जो ज़मीन अधिग्रहण किसान की जाएगी, उस ज़मीन में अगर किसान की बिजली की मोटर है, जनरेटर है, कोई ट्रैक्टर का सामान है, कोई और सामान है, वो सामान भी किसान अपनी ज़मीन से निकाल नहीं पाए। इन्होंने तो किसान की हालत बहुत दयनीय कर दी। उन तीन कानूनों को वापस लेने के साथ साथ मोदी को हरियाणा सरकार को भी कहना चाहिए कि ये कानून भी वापस ले। धन्यवाद। सेना, विकास और बाकी जो चीजें, सरकार कहाँ है, क्या कहती है, क्या इनकी बात पर यकीन किया जा सकता है? ये तो सरकार नहीं, लुटेरों का एक गिरोह है, और ये पैसे लूटने पर लगे हुए हैं। इनकी लूट का आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकारी कोष में 2000 करोड़ से भी अधिक रुपया छोड़ा था, और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है। इनसे आप प्रश्न पूछना कि विकास के नाम पर कहीं एक ईंट नहीं लगी, सड़कें जो हमारे वक्त में बनी थी उनकी मरम्मत नहीं हो पा रही, टूट रही है, स्कूलों में टीचर नहीं है, अस्पतालों में दवाई और बेड नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विकास के नाम पर कहीं एक पैसा नहीं खर्च किया, तो साफ जाहिर है ये पैसा लूट करके खा रहे हैं। आज इनकी हालत ये है कि कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है। सर, हरियाणा सरकार की सब बिना पर्ची खर्ची के कोई नौकरी किसी को दी है? नीट को तो कोई लिस्ट तो बताए कि इन इन लोगों को हमने नौकरी दी, केवल बात करने से तो काम नहीं चलेगा। 750 सामने आ क्या मांग करेंगे सरकार से कि किस प्रकार की जांच इसलिए हो ताकि जिनको नौकरी मिली है? हम इस सरकार से मांग नहीं करेंगे, ये सरकार नहीं है, ये लुटेरों का एक गिरोह है, हम अपनी सरकार बनाएंगे और पुनः भारतवर्ष एक सामाजिक देश बनेगा, एक कृषि प्रधान देश बनेगा, इसकी अर्थव्यवस्था जो खेती पर टिकी थी वो पुनः खेती पर टिकी थी। मुझे दुनिया के 152 मुल्कों में जाने का अवसर मिला है, सैर सपाटे के लिए नहीं, उन मुल्कों के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात की जानकारी हासिल करने के लिए मैं गया था, और मुझे ये जानकर के बहुत प्रसन्नता हुई थी कि हमारा मुल्क हिमायत एक ऐसा मुल्क है जहाँ सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग आपसी प्रेम प्यार और भाईचारे से मिलजुल करके रहते हैं। इन लुटेरों के बीच में देश की हालत बहुत ख़राब कर दी। इसका इससे बड़ा सबूत क्या होगा? मैं एक ही मिसाल आपको देने जा रहा हूँ। ये लोकसभा की 542 सीटें, हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद 30% से भी अधिक मुस्लिम इस देश में आबाद, और इन कमबख्तों ने एक भी मुस्लिम को पार्लियामेंट की टिकट नहीं दी, एक सिंगल को। ये जहर से भरे हुए लोग 750 गारंटी को लेकर और अन्य 3-4 मांगों को लेकर किसान जो हैं आंदोलन खत्म की बजाय तेज करें, क्या लगता है इस आंदोलन का क्या समाधान हो सकता है? पार्लियामेंट का जब सेशन होगा, विधिवत रूप से पार्लियामेंट में जब इस कानून को वापस लेंगे तभी इसकी वापसी मानी जाएगी, और इसके साथ ही कई और मुद्दे भी हैं, जैसे 700 के करीब लोग मरे हैं उनको शहादत का दर्जा दिया जाए, जो जिन हज़ारों लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं उनके मुकदमे वापस लिए जाएं, MSP में भी क्लियर कट पोजीशन इनकी करनी चाहिए, बिजली के मामले को भी ठीक करना चाहिए। ये सरकार ना सिर्फ एंटी फार्मर है बल्कि एंटी राष्ट्र है। इस देश का हर नागरिक, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई,
चमार धानक वाल्मीकि रेगर खटीक खाती कुम्हार लुहार मनिहार सुनार ब्राह्मण बनिया दुकानदार कर्मचारी इवन कारखानेदार और मजदूर सभी परेशान हैं। और सभी लोगों ने अब एक मन बढ़ा लिया है कि ये सरकार जात पात का जहर फैला करके जो लोगों को गुमराह करती रही है और हकूमत की आड़ लेकर के जो देश को लूटने का काम करती है, उस सरकार को लोग सबक सिखाए। भारतवर्ष पुनः वही सामाजिक देश बनेगा, सभी धर्म और मजहब के मानने वाले लोग इकट्ठे मिल करके अपने तीज त्यौहार होली दिवाली क्रिसमस ईद सब मिल करके पहले जैसे मनाया करते थे वैसे ही मनाएंगे। सर सर कोई ऐसा ऐलान नहीं किया ताकि उनको कोई राहत मिल सके, किस चीज़ का? जो 750 किसान आंदोलन में शहीद हो जी, जो 750, मोदी ने कोई जिक्र नहीं किया है, क्या उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए नहीं दिया? मोदी ने ये जो घोषणा की है 3 कानून वापस लेने की, ये केवल इस डर से की है कि उत्तरी भारत के जितने भी उपचुनाव हुए हैं, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटों में से 3 पर बीजेपी हारी है, राजस्थान में सभी में इनका सुपड़ा साफ हुआ है, हरियाणा की 1 सीट थी इलाहाबाद की, वो भी हार चुके। इस सारी हार को देख करके इन्हें यूपी के चुनाव से डर लगता है और इसलिए लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने इस प्रकार की घोषणाएं की है। घोषणाओं से काम नहीं चलेगा, पार्लियामेंट के सेशन में विधिवत रूप से इन कानूनों को वापस लिया जाएगा। शहीद जो हुए हैं लोग उनको शहीद का दर्जा दिया जाएगा, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है उनके मुकदमा वापस लिए जाएंगे, MSP को विधिवत रूप से लागू किया जाएगा, बिजली की दिक्कत को समाप्त किया जाएगा, महंगाई जो निरंतर बढ़ती जा रही है उस पर काबू किया जाएगा। ये कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार गहराई से विचार नहीं करेगी तब तक किसान जो इन्होंने फैसला किया है वो अपने आंदोलन पे कायम रहे। सर 2 दिन